दोस्तों रेलवे टिकट बुकिंग के टाइम पे अगर आपके पैसे कट गए और टिकट बुक नहीं हुई, या फिर आपने अपने टिकट को कैंसिल करवाया है, या फिर पूरी की पूरी ट्रेन ही कैंसिल कर दी गई है किसी कारण से, तो इन परिस्थितियों में जो रिफंड अमाउंट होता है वो कितने दिन में आपको वापस किया जाता है और रिफंड का प्रोसेस क्या होता है, तो इन सारी चीजों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अगर इंडियन रेलवे के द्वारा किसी ट्रेन को कैंसिल किया जाता है किसी कारणवश, जैसे कि ठंडियों में काफी ज्यादा देखे जाते हैं, तो यात्रियों को जो रिफंड अमाउंट होता है वो ऑटोमेटिक 3 से 4 दिन में वापस कर दिए जाते हैं। इसके लिए यात्रियों को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। वहीं अगर टिकट बुकिंग के टाइम पे आपके पैसे कट गए और टिकट बुक नहीं हुआ है, तो जो रिफंड अमाउंट होता है वो भी 3 से 4 दिन में वापस आपको मिल जाते हैं। इसकी जानकारी आप IRCTC की वेबसाइट पर रिफंड स्टेटस में जाके चेक कर सकते हैं कि आपका जो रिफंड अमाउंट है वो उसका स्टेटस क्या है। ये सारी जानकारी आपको IRCTC की वेबसाइट पर ही मिल जाती है। अगर आपने टिकट को कैंसिल करवाया है तो इसका भी सेम प्रोसेस 3 से 4 दिन, मैक्सिमम 7 डेज लगते हैं वर्किंग आवर, बैंकिंग वर्किंग आवर, और इसके अंदर ही आपका अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में जिससे आपने ट्रांजेक्शन किया था उसमें वापस कर दिए जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि जिन्होंने काउंटर से टिकट ले रखा है, अगर आपने काउंटर से टिकट ले रखा है और आप इसे कैंसिल करवाने के लिए जाते हैं, तो आपको वहाँ पे हैंड टू हैंड आपका रिफंड अमाउंट आपको वापस कर दिया जाता है। इसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी रिफंड, इंडियन रेलवे के रिफंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।